लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सोनौली पुलिस और SSB सोनौली की टीम ने भारतीय मूल की किशोरियों को बहलाकर नेपाल बेचने ले जा रहे नेपाली नागरिक को पुलिस व SSB की टीम ने गिरफ्तार किया है। वह महाराजगंज और नेपाल से चार किशोरियों को भारत ले आने की फिराक में था। महाराजगंज के पर्यवेक्षक में भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों, मानव तस्करी पर रोकथाम के दिशा निर्देश पर आज दिनांक 8 सितंबर 2022 को थाना सोनौली पुलिस व SSB टीम की मिलीभगत से नेपाल से पैसे लालच देकर मानव तस्करी हेतु भारत में लाई जा रही चार युवतियों को मुखबिर की सूचना पर बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना ASTU जनपद महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में बरामद नेपाल राष्ट्र की चार युवतियां, 2 अदद मोबाइल फोन, 1 अदद स्कूटी, गिरफ्तारी अभियुक्त अंशु जायसवाल पुत्र दयाशंकर जायसवाल सोनौली 1 नफर अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 8 सितंबर 2022 को थाना सोनौली पुलिस व SSB की संयुक्त कार्रवाई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 1 महिला और 1 पुरुष है। इनके पास से 4 महिलाओं को भी बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ की गई है तो महिलाओं द्वारा बताया गया है कि इन्हें पैसे और काम का लालच देकर गोरखपुर लिया जा रहा था। इस प्रकरण में थाना ASTU पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र विवेचना का निस्तारण सुनिश्चित करें।